आजमगढ़ के टिकट पर भले ही दिनेश लाल यादव निरहुआ हार गए हों, लेकिन भोजपुरी के कुछ कलाकार और खुद निरहुआ निरहुआ की हार की जगह मोदी जी की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि निरहुआ हारे नहीं हैं, जीते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में। जानेंगे आप कि किस तरीके से भोजपुरी फिल्मों की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार रही रानी चटर्जी खुद भी उन्होंने निरहुआ की जीत पर ही बात की है और कहा है कि निरहुआ हारे नहीं है, जीते हैं और अखिलेश की हार हुई है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री फिर से होने वाले हैं मोदी जी और साथ ही निरहुआ ने ही ये बयान दिया था कि भाई अखिलेश भैया ने इसलिए गठबंधन बनाया है ताकि मोदी जी को हरा सकें, लेकिन मोदी जी नहीं हारे तो इससे उनकी हार हुई है, ना कि निरहुआ की। खैर, आपको बेहद खास रिपोर्ट के जरिए रूबरू कराते हैं इस पूरे मामले से। अभी में आजमगढ़ की सीट पर सभी की काफी ज्यादा निगाहें बनी हुई थी, जहां सीट पर अखिलेश यादव 6,21,578 वोट पाकर जीत हासिल कर गए, तो वहीं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की अगर बात की जाए तो उनको मात्र 3,61,704 लोगों ने वोट किया है, यानी कि 6,21,578 वोट जो कि अखिलेश के थे और 3,61,704 वोट्स जो कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के थे। इन वोट से अगर बात की जाए अखिलेश यादव की जीत की तो भाई 2.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से अखिलेश यादव ने यहां पर जीत हासिल की है। खैर, इसी बीच अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार आज क्या हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल आज हम आपको बताएंगे रानी चटर्जी के बारे में। हाल ही में रानी चटर्जी ने दो दो पोस्ट शेयर किए थे, जो पोस्ट आए थे निरहुआ को लेकर और साथ ही मोदी को लेकर। दरअसल दिनेश लाल यादव जी के जज्बे को सलाम करती हूं, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की, ईश्वर उन्हें फिर मौका देंगे और उसे वक्त उन्हें कोई नहीं हरा पाएगा। यानी कि जिस तरीके से निरहुआ की हार पर भी रानी ने सहारा दिया है, तो वहीं इससे ये बात साफ होती है कि भाई किस तरीके से निरहुआ की हार पर रानी ने बात की। आपको बता दें कि मेरी नजर में वो विनर है, बाकी जनता बेहतर जानती है, आए तो मोदी जी ही। यानी कि जहां निरहुआ की हार पर पहले उन्होंने बात की, तो वहीं अगले क्षण उन्होंने मेरी नजर में वो विनर है कहकर बाकी जनता बेहतर जानती है, आए तो मोदी जी ही ना कहकर ये दिखा दिया कि भाई अखिलेश यादव भले ही आजमगढ़ की सीट पर जीत हासिल कर पाए हों, लेकिन वो बुरी तरीके से हारे हैं और वो हारे हैं क्योंकि वो हराना चाहते थे मोदी जी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाने देना चाहते थे और इसीलिए सभी बात कर रहे हैं अखिलेश को लेकर कि भाई वो आजमगढ़ में जीत कर भी हार गए क्योंकि देश में आई तो मोदी सरकार। इसी बीच निरहुआ ने भी ये कहा था कि अखिलेश भैया ने गठबंधन इसीलिए बनाए हैं ताकि मोदी जी को हरा सकें, लेकिन वो खुद ही हार गए। उसके अलावा आपको हम ये बताना चाहेंगे कि रानी ने एक और पोस्ट शेयर किया था जहां उन्होंने लिखा था, ओम मोदी, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, नमो नमो #PM #Congratulations। यानी कि उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी बधाई दी और एक फोटो भी शेयर की, जहां उन्होंने निरहुआ के लिए भी एक तस्वीर शेयर की थी, तो वहीं उन्होंने शेयर की प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी एक तस्वीर और उनकी जीत का पूरे देश भर में डंका बजाया। इसके अलावा जिस तरीके से रानी आए दिन इंस्टाग्राम पर कोई ना कोई पोस्ट शेयर करती रहती हैं, तो वहीं इस बीच जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट शेयर किया निरहुआ को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट शेयर किया प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, तो वहीं उन्होंने अखिलेश की हार का ही ऐलान कर दिया और कर दिया निरहुआ की जीत का ऐलान और बता दिया सभी को कि भाई जीत तो हासिल की है दिनेश लाल यादव निरहुआ ने और दिनेश लाल यादव निरहुआ पूरे तरीके से ही जिस तरीके से जीत हासिल कर चुके हैं, तो वहीं वो इस बात से काफी ज्यादा खुश भी नजर आई। और आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आए दिन रानी कोई ना कोई फोटो शेयर करती ही रहती है। जाना आप सभी ने कि किस तरीके से रानी चटर्जी ने खुद काफी सारी बातें की हैं, रानी ने क्या कुछ शेयर किया है और निरहुआ के क्या कुछ
बयान रहे हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट साइन भोजपुरिया के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर सकें।